हेलो एवरीवन आई होप यू आर लर्निंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाई स्टडी क्लासेज टूडिंग दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स टू टूल्ल्व ऑफ चैप्टर गुडविल सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर सिक्स बट बिफोर दिस लेट मी टेल यू कि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जरूर देख लेना क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है और बुक जरूर पढ़ना उसके बाद ही सोल्यूशन स्टार्ट करना है बिना बुक पढ़े अगर सोल्यूशन स्टार्ट करोगे और अगर आप चाहोगे कि बिना पढ़े आप मेरी वीडियो से हेल्प ले सको तो फिर आपको मेरी वीडियो यूजफुल नहीं लगेगी जब आप खुद से अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि मेरा मोटिव यह है कि जब कोई स्टूडेंट खुद से अच्छे से पढ़ रहा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहा है और वहाँ से प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेरी वीडियो से हिंट ले सके तभी तो आपको जो है मेरी वीडियो यूजफुल लगेगी सो आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स से स्टार्ट करते हैं बाकी इसके सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में बता रखा है जिसमें क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री हमने देखा था तो चलिए सिक्स नंबर में क्या है कि प्रॉफिट गिवन है हमारे पास लास्ट थ्री ईयर्स की ठीक है अब जो भी अब नॉर्मल गेन वगैरह है वो चीज़ें आपको देखना है सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है टू थाउजेंड थर्टीन की दी गई है नेक्स्ट हमारे पास टू थाउजेंड फोर्टीन की है फिफ्टीन की है अब इसमें सारी चीज़ें दी गई है कि क्या चीज़ें इंक्लूड है क्या चीज़ें एक्सक्लूड है हमें कैलकुलेट करना है गुडविल कैलकुलेट करना है और परचेज ईयर जो हमें लेना है वो टू लेना है ठीक है मैंने ये चीज़ आपको बताया था अगर क्वेश्चन में टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर जो भी गिवन है ठीक है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आप वही लोगे अगर क्वेश्चन में परचेज ईयर गिवन नहीं है तो आप या तो टू ले सकते हो या तो थ्री ले सकते हो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको देखते हैं सॉल्यूशन ये रहा हमारा सिक्स नंबर का सॉल्यूशन सबसे पहले आप कैलकुलेट तो कर लो कि टोटल आपकी नेट प्रॉफिट कितनी है तो देखिए ईयर आपकी थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन है प्रॉफिट ये तो गिवन है लेकिन कुछ एडजस्टमेंट भी तो हमें करनी है जो चीज़ें इंक्लूड है अब नॉर्मल गेन वगैरह उसको लेस करना है जो चीज़ें एक्सक्लूड है उस चीज़ को ऐड करेंगे देखेंगे अच्छे से उसके बाद ये जो साइड है ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएगा टू थाउजेंड थर्टीन का फोर्टीन का फिफ्टीन का तो टोटल ऐड करोगे तो आपका जो टोटल नेट प्रॉफिट आएगा वो वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड आएगा ठीक है तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट आपका वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड है और टोटल नंबर ऑफ ईयर कितनी है थ्री डिवाइड करोगे आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ परचेज ईयर तो आपकी एवरेज प्रॉफिट फोर्टी फाइव थाउजेंड निकल आई है नंबर ऑफ़ परचेज आपको टू लेना है तो नाइन्टी थाउजेंड आपका गुडविल आंसर आ जाएगा तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स का सोल्यूशन है अब ये लेस मैंने क्यों किया है फाइव थाउजेंड फोर्टीन में क्यों ऐड किया है ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या चीज़ें इंक्लूड है क्या चीज़ें एक्सक्लूड है क्या चीज़ें आपको रखनी होती है प्रॉफिट में क्या चीज़ें लेस करनी होती है ये सिक्स नंबर का सोल्यूशन हुआ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है प्रॉफिट एंड लॉस दी गई है लास्ट फाइव ईयर की प्रीवियस वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है कोई बात नहीं है प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे लॉस है तो लेस कर देंगे ठीक है तो तभी तो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकल के आएगा पूरे ईयर की गिवन है आपको ध्यान से देखना है क्या चीज़ें इंक्लूड है क्या चीज़ें एक्सक्लूड है उस चीज़ को हमें ऐड करना होता है कैलकुलेट करना है वहीं गुडविल बेसिस ऑफ फोर ईयर फोर ईयर लेना है चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं ये हमारा सेवन नंबर का सोल्यूशन है फर्स्ट ईयर में हमारा कितना सिक्स थाउजेंड तो है लेकिन टू थाउजेंड क्या है उसमें अब नॉर्मल गेन है उस चीज़ को लेस करोगे तो आपकी एक्चुअल प्रॉफिट कितनी आएगी फोर थाउजेंड ऐसे ही जैसे आपने सिक्स नंबर बनाया बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है सेवन नंबर भी नेक्स्ट देखते हैं जो भी है सेकेंड ईयर की है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर की है वो चीज़ आप देखोगे आपको मैंने बताया है कि अकाउंट्स में क्या होता है अगर कोई भी फिगर ब्रैकेट के अंदर लिखी है इट मींस दैट वो नेगेटिव फिगर है इसका मतलब ये हुआ कि उसे हमें क्या करना है लेस करना है ठीक है टोटल आपका इसका नेट प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो थर्टी फोर थाउजेंट आएगा और हमारे पास ईयर टोटल कितने हैं फाइव डिवाइड करोगे एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा सिक्सटी एट हंड्रेड गुडविल निकालना है सिक्सटी एट हंड्रेड इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज ईयर जो लेना है वो फोर लेना है इंटू करोगे आपका गुडविल फाइंड आउट हो जाएगा ये हमारा सेवन नंबर का सोल्यूशन है बहुत ईजी है बिल्कुल एक ही फॉर्मूले पर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में क्या है एक्स एंड वाई पार्टनर्स है इनकी प्रॉफिट और लॉस की जो रेशियो है वो गिवन है थ्री टू टू अब ये अग्री करते हैं क्या करेंगे पार्टनरशिप फॉर जेड को ले रहे हैं वन बाई थर्ड शेयर के लिए ठीक है अब इनकी गुडविल दी गई है और जो हमें नंबर ऑफ परचेज ईयर लेना है वो टू लेना है फोर ईयर की दी गई है लास्ट फोर ईयर की प्रॉफिट लॉस जो भी है ठीक है चलिए कैलकुलेट करते हैं गुडविल की वैल्यू और ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना फर्स्ट अप्रैल 2018 को जो मोटर बाइक क्वेश्चनिंग फिफ्टी थाउजेंड है परचेज कर रहा है और डेबिट कर रहा है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ट्वेंटी परसेंट पड़े ना ये सारी इफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है चलिए इसका सोलूशन देखते हैं ये हमारा एट नंबर का सोल्यूशन है जो भी ईयर की गिवन है वो है हमारे पास 2019 में क्या है लॉस हो रहा है हमें कितने का 170,000 का लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो इसमें क्या है कि हमने एक मशीन खड़ी वो मोटर बाइक खरीदा है अब यहाँ पे डेप्रिशिएशन लग रहा है तो जब 50,000 का 20 परसेंट निकालोगे ना तो 10,000 आएगा तो उस टेन को वन में ऐड कर देना है और फिफ्टी का जो हमने खरीदा उसको लेस कर देना है तो ओवरऑल टू की जो लॉस निकल के आएगी वो वन निकल के आएगा ठीक है उसके बाद आप पूरा कर लो लॉस है तो आप तो लेस करोगे बाकी जो भी प्रॉफिट है उसको ऐड करोगे लॉस को लेस करोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट जो आपका निकल के आएगा टोटल नेट प्रॉफिट वो थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड आएगा टोटल फोर ईयर की है डिवाइड करोगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल आएगी एट्टी थाउजेंड और हमें नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना लेना है टू तो एवरेज प्रॉफिट जब आपकी एट्टी थाउजेंड आएगा इंटू टू करोगे आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का ये हमारा फोर्थ नंबर का है अब ये टेन थाउजेंड कैसे आया टू थाउजेंड नाइनटीन वाले में जिस हमने किया है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब आप ट्वेंटी परसेंट निकालोगे ना तो टेन थाउजेंड ही आएगा ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Now the next question number nine, average method हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल बेसिस जो है वो थ्री ईयर जो है परचेज का लेना है अब जो भी प्रॉफिट है वो चीज़ें गिवन है और जो हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट जो है बेस्ड ऑन वेट वो क्या है वन टू थ्री फोर एंड फाइव प्रॉफिट गिवन है ये सारे ईयर्स की चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं तो ये हमारा नाइन नंबर का सोल्यूशन है इसमें होता क्या है कि एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है ठीक है वेटेज आपको गिवन है तो आप जो टोटल प्रॉफिट निकालोगे वो क्या करते हैं हम जो एक्चुअल प्रॉफिट हम जो हमारा एनुअल प्रॉफिट है ठीक है एनुअल प्रॉफिट गिवन है और वेटेज गिवन है ठीक है एक्चुअल नहीं एनुअल प्रॉफिट हमारे पास गिवन है वेटेज गिवन है तो जो टोटल प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करते हैं दोनों को इंटू कर देंगे यानी कि टू और एलेवन की अगर बात करें तो ट्वेंटी थाउजेंड करेंगे तो वहाँ पर हमारा ट्वेंटी आएगा इसमें देखिए ट्वेंटी वेटेज टू है इन करेंगे तो जो टोटल प्रॉफिट होगा वो फोर्टी एट थाउजेंड ऐसे ही पूरे ईयर की जो वेटेज है जो एनुअल प्रॉफिट है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो थ्री लाख फोर्टी एट थाउजेंड निकल के आएगा और वेटेज को आप टोटल ऐड करोगे तो फिफ्टीन आएगा ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव को जब ऐड करोगे तो फिफ्टीन आएगा अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट का आप क्या करोगे जो टोटल आपका प्रॉफिट आया वो ऊपर लिखोगे और जो टोटल वेटेज जो नंबर आया है फिफ्टीन उससे डिवाइड कर दोगे तो टोटल वेटेज एवरेज प्रॉफिट आपका ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एंड टू हंड्रेड आएगा गुडविल फाइंड आउट करना है तो क्या जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया वो इन हमें थ्री जो ईयर लेना है ना परचेज का उससे इन करोगे आपका गुडविल निकल आएगा ये हमारा नाइन नंबर का है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं जो भी हमारा एनुअल प्रॉफिट है जो उसके ईयर का वेटेज है उससे तो हमारा टोटल प्रॉफिट उस ईयर का निकल आता है तो ये हमारा नाइन नंबर का सल्यूशन है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में हमें कैलकुलेट करना है गुडविल मेथड कौन सा यूज़ करना है सुपर प्रॉफिट मेथड ठीक है दूसरा जो मेथड हमारा होता है कैलकुलेट करने का एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता था दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड होता है तो देखिए यहाँ पे कैपिटल दिया गया है नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो रेट गिवन है मैंने बताया था ना नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं वहाँ पे रेट हमारे पास होता है एक्चुअल प्रॉफिट कितना है वो भी गिवन है कैलकुलेट करना है और परचेज ईयर जो बेस लेना है वो थ्री ईयर्स का लेना है चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं देखिए टेन नंबर में हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट है थर्टीन थाउजेंड ठीक है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है तो जो भी कैपिटल आपने लगाया है इनटू जो रेट गिवन होता है बाई हंड्रेड तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा नाइन थाउजेंड निकल आएगा और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है तो जो भी हमारा क्या होगा जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से हमको क्या करना है नॉर्मल प्रॉफिट को जब आप लेस करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल आएगा तो थर्टीन थाउजेंड में से जब नाइन थाउजेंड को आप लेस करोगे तो फोर थाउजेंड निकल आएगा अब देखिए आगे आपके पास सुपर प्रॉफिट फोर थाउजेंड गुड का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर तो सुपर प्रॉफिट फोर थाउजेंड इंटू थ्री कर दो क्योंकि थ्री गिवन है तो ट्वेल्व थाउजेंड आपका आंसर आ जाएगा ये ध्यान से देख लो नॉर्मल प्रॉफिट ये आया कैसे तो मैंने आपको बताया जो कैपिटल होता है कैपिटल आपने जो लगाया वो इंटू जो रेट गिवन है टेन परसेंट वो बाई हंड्रेड करते हैं तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाता है ये हमारा नंबर का सोल्यूशन सुपर प्रॉफिट जो मैंने ए माइनस बी लिखा है उसका मतलब ये है कि एक्चुअल प्रॉफिट मैंने ए में दिखाया है और बी में नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है ये हमारा क्वेश्चन नंबर टेन का सोल्यूशन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर अलेवेन में हमारे पास क्या है फॉर्म जो है अर्न कर रहा है प्रॉफिट ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स थाउजेंड ट्वेल्ल थाजेंड एंड एट थाउजेंड लास्ट फोर ईयर के गिवन है कैपिटल जो ये इन्वेस्ट कर रहा है वो हमारे पास फिफ्टी थाउजेंड है रेट ऑफ रिटर्न जो वो 15, है वो 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 फिफ्टीन थाउजेंड पड़ा हमें गुड विल हमें कैलकुलेट करना है थ्री ईयर परचेज लेना है सुपर प्रॉफिट वाला मेथड यूज करना है चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं ये हमारा अलेवन नंबर है सबसे पहले आप क्या करोगे जो हमारा दिया है टोटल प्रॉफिट फोर ईयर की तो उससे आप क्या करोगे कि आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे वही जो एक्चुअल प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट जो निकलेगा वो क्या होगा तो टोटल हम जो भी फोर ईयर के दिए है प्रॉफिट उसको ऐड करके फोर ईयर है तो डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट एलेवन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड निकल आएगा और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल जितना आपने लगाया यहाँ पे आपने फिफ्टी थाउजेंड कैपिटल लगाया है इंटू रेट रेट कितना है फिफ्टीन बाय हंड्रेड करते हैं तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा सेवेंटी फाइव हंड्रेड ठीक है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है वही एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आपके पास अलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है और नॉर्मल प्रॉफिट सेवेंटी फाइव हंड्रेड है लेस करोगे तो आपका फोर थाउजेंड सुपर प्रॉफिट निकल आएगा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ परचेज ईयर परचेज ईयर आपके पास थ्री है आपके पास सुपर प्रॉफिट फोर थाउजेंड है इंटू करेंगे ट्वेल्व थाउजेंड आपका आंसर आ जाएगा ये हमारा अलेवन नंबर का सोल्यून है बस आपको क्वेश्चन ही तो अच्छे से पढ़ना है फॉर्मूला याद रहने चाहिए फिर आप इजली सभी चीज़ों को बना पाओगे चलिए ये हमारा अलेवन नंबर का सोल्यूशन था अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या है एक पार्टनरशिप फॉर्म है उसकी नेट प्रॉफिट दी गई है लास्ट फाइव ईयर की ठीक है आफ्टर दैट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है फॉर्म की वो फाइव लैक है और जो रेट गिवन है वो टेन परसेंट है कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ़ गुडविल बेसिस ऑफ़ योर थ्री ईयर ऑफ़ परचेज लेना है एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं ट्वेल्व नंबर सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं उसके लिए क्या करना होगा टोटल ईयर की प्रॉफिट ऐड करोगे फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड एट्टी फाइव थाउजेंड टोटल प्रॉफिट आपका निकल के आएगा थ्री लाख तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मू होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर टोटल नंबर कितना है फाइव थ्री लाख को फाइव से डिवाइड करोगे सिक्सटी थाउजेंड आपकी एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो गई नॉर्मल प्रॉफिट की फार्मूला मैं आपको बार बार बता रही हूँ इतने कैपिटल आप लगाते हैं यहाँ पे फाइव लाख कैपिटल लगाया है रेट कितना है टेन परसेंट टेन बाई हंड्रेड करते हैं आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा फिफ्टी थाउजेंड सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट आपका टेन थाउजेंड आ गया गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर नंबर ऑफ परचेज ईयर थ्री है टेन थाउजेंड इंटू थ्री करोगे थर्टी थाउजेंड आपका गुडविल का आंसर आ गया ये हमारा ट्वेल्व नंबर का सोल्यूशन है ठीक है बस आपको अच्छे से क्वेश्चन ही तो पढ़ना है बाकी फार्मूला याद रहेगा आप बना लोगे इसलिए सो so, ओवरऑल आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स टू ट्वेल्व देखा आई होप कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक दिस वीडियो ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो